इलेक्शन मुहिम में तेजी आ गई है। इलेक्शन 2024 के कागजात जमा होते ही उम्मीदवारान की जानिब से इलेक्शन कैंपेन तेज कर दी गई है। हल्का PP 97 के मरकजी शहर भुआना में मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन ऑफिस कायम कर दिया गया है। देखते हैं गुलबानो मेहर की ये रिपोर्ट। देखिए वक्त गुजरते इलेक्शन कैंपेन में तेजी आती जा रही है। उम्मीदवार अपने वोटर्स के साथ भरपूर रबते बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहर बुआना में मरकजी इलेक्शन ऑफिस जप्पा पेट्रोलियम मेन जंक्शन न्यू रोड पर कायम कर दिया गया है। इलेक्शन ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 97 साबिक MP मोहम्मद सिकलेना नूरजिब्रा सदर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन ने किया। इस मौके पर वर्कर्स और हलियाने शहर की बड़ी तादाद मौजूद थी। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन का जो है वो आगाज हो चुका है और इलेक्शन की सरगर्मियां दिन ब दिन उनमें एक तेजी आती चली जा रही है और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंसर पेट्रोलियम पे अपने PP 97 के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया है। और इलेक्शन ऑफिस का मकसद ये है कि जो दोस्त अहबाब जिनसे हम बैठ के मिल सकें, गुफ्तगू कर सकें, हमारा आपस में एक दूसरे से जो रबता है वो आसान हो जाए, कि हम ये एक सेंट्रल प्लेस है, यहाँ पे जो ऑफिस है कायम करने का मकसद ये है कि जहाँ से भी घूम फिर के हम आएंगे तो चूँकि भुआना को इस हलका में एक मरकजी हैसियत हासिल है तो हम यहाँ पे फिर बैठा करेंगे, अपने दोस्तों से मुलाकात होगी। और क्योंकि ये हमारे हलका का एक शहरी इलाका भी है और ये शहर है भुआना, तो यहाँ के लोगों को भी मिलने में ताकि दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, उससे मिलना जुलना हमारा आसान हो जाए। यहाँ पे उम्मीद रखते हैं कि आप यहाँ पे लोगों को रास्ते के लिए कोई जगह मौजूद हो? जी वगैरह में बिल्कुल, इंशाल्लाह हम इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह, अभी भी हमने ऑफिस का जो है इनकार उसका कर दिया, उसको कायम कर दिया और इंशाल्लाह ये कंटिन्यूटी इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी जारी रहेगी। और वैसे भी मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि हमने तो अब सियासत जो है ना, अब आपको पता है ना ई दौर है, इलेक्ट्रॉनिक दौर है, तो अब आप देखें ना आपके जो ऑफिस है ना उन्होंने उनको पेपरलेस कर दिया है, तो जो सारी टेली कम्युनिकेशन है ना वो थ्रू मोबाइल और थ्रू इंटरनेट और इन चीज़ों से हो रही है। तो इंशाल्लाह हम हमारा जो सियासत में जो विजन है ना, ये जो हमारा मकसद है, हम इसको भी उसी पैटर्न के ऊपर, जदीद तकाजों के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो हम तो ई पॉलिटिक्स का जो है ना उसका इंशाल्लाह उसको मुतारिफ कराएंगे कि लोगों को आना ना पड़े अपने मसाइल के लिए, लोग हमें अपने घरों से बैठ के टेक्स्ट मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए या कॉल्स के जरिए बताएंगे। तो हम इंशाल्लाह उनके हमारा तो मिशन ये है कि उनकी दहलीज के ऊपर हम उनके मसले मसाइल इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो दोस्त अहबाब हमारे पास आना चाहें तो इंशाल्लाह ये सहूलत भी हम उनके लिए जरूर रखेंगे कि वो आना चाहें, मिलना चाहें, बैठना चाहें, तो इंशाल्लाह वो भी एक सिलसिला जो है वो रहेगा। यहाँ पर वर्कर्स मिलजुल कर एक दूसरे के मशवरा जैसे इलेक्शन कैंपेन करेंगे। इंशाल्लाह इस मरतबा वर्कर्स की मेहनत और चाहने वालों के तावन से जीत मार मोहम्मद सिकलेना यूनिवर्सिटी प्राप्त होगी। आज जो हमने यहाँ पे मरकजी ऑफिस मुस्लिम लीग नून PP 97 के हवाले से आज यहाँ पे ओपन किया है, उसके जो अहम जो हमारे नुकात हैं वो यही हैं कि चूंकि ये एक सेंटर पॉइंट है हमारे पूरे हलके का, तो यहाँ पे हम सारे लोग दौरान इलेक्शन अपना जो भी हमारा लाअमल हो अगले 24 घंटे का, हम यहाँ पे इकट्ठे हों और वो हम एक दूसरे के साथ वो शेयर करें और उस हवाले के साथ जो है हम अपना वो लेकर चलें। और उसके साथ जितनी भी हमारी जो एडवर्टाइजमेंट होगी, जो भी हमारे यहाँ पे कॉर्नर मीटिंग्स का इनकार किया जाएगा और हमारे जो जलसे जो हमारे इलेक्शन के दौरान हम पूरे हल्के के अंदर अरेंज करने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी सारे फैसले और अपना जो सारा हमारा लायमल है वो यहाँ पे हम बैठ के वो तय करेंगे। ये आज हमारे दफ्तर का इफ्तिताह होगा और मैं समझता हूँ कि जो दफ्तर है ना वो इलेक्शन की जीत में उसका कलीदी किरदार होता है, हम भरपूर मेहनत कर रहे हैं। याद रहे कि ये अभी तक पहला बाकायदा इलेक्शन ऑफिसर जो बुआना शहर में कायम किया गया है। ट्रेवल टीम के साथ गुलबानो मेयर, VOP पाकिस्तान।